नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तीन ऐसी ड्रिंक जिनको पीकर आप गर्मी से राहत पा सकते हैं। गर्मी के मौसम में ये जो ड्रिंक हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी लगेगी और हेल्दी भी है ये ड्रिंक। दोस्तों, बच्चे हो चाहे बड़े, सब इस ड्रिंक को पसंद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं ड्रिंक। दोस्तों, ये है गोंद खतीरा। दोस्तों, जो गोंद खतीरा होता है उसके हमारे शरीर को काफ़ी फायदे मिलते हैं। हमारे शरीर को एक तो ये गर्मी से बचा कर रखता है और दूसरा हमारी हड्डियों को ये मजबूत बनाता है। जो गोंद होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो बबूल गोंद, एक गोंद खतीरा। जो बबूल का गोंद होता है वो हम सर्दियों में खासकर यूज़ करते हैं। ये है बबूल का गोंद। इसमें दोस्तों इन दोनों में पहचान क्या होगी, जो ये गोंद है बबूल गोंद, ये इसमें चमक होती है और दूसरे में चमक नहीं होती। इसे हम तलकर यूज़ करते हैं, यानी भूनकर यूज़ करते हैं घी में, और जो गोंद खतीरा होता है इसे हम भिगोकर यूज़ करते हैं पानी में। 2 से 3 घंटे इसको भिगोकर यूज़ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिया है 1/2 चम्मच के करीब गोंद खतीरा इस तरीके से, और मैं एक कटोरी में और भिगोंगी इसको, वो मैं कूट लेती हूँ। दोस्तों, यदि आप दाने भिगोते हैं तो वो 2 से 3 घंटे में भीग कर फूल जाते हैं, और जो मैं ये कूट कर इसका ये पाउडर बनाऊंगी, ये हमारा 1 घंटे में ही रेडी हो जाएगा फूल कर। देखिए, जैसा कि मैं ये कूट रही हूँ, कूट कर मैं इसको भिगो कर रख दूंगी करीब 1 घंटे के लिए। दोनों मैंने 1/2 चम्मच लिया है, एक में मैंने फुल जो इसके दाने हैं गोंद खतीरा के वो डाल दिए हैं, और एक में मैं कूट कर डाल रही हूँ इस तरीके से। ये दोनों मैंने लगभग आधी आधी कटोरी पानी से भर दी है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब देखिए दोस्तों, 3 घंटे के बाद मेरे दोनों फूल गए हैं, दोनों सेम लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भीग कर इतने फूल गए हैं, इनकी क्वांटिटी बढ़ गई है, दुगने से भी चौगुने बढ़ गए हैं ये। इस तरीके से आपने इसका यूज़ करना है। याद रखिए दोस्तों, आपने गोंद खतीरे को हमेशा भिगोकर ही यूज़ करना है। अब हम इसकी ड्रिंक बनाएंगे। चलिए बनाते हैं 3 तरह की ड्रिंक। कौन कौन सी ड्रिंक बनेगी, चलिए बबताते हैं आपको। मैंने लिए हैं 3 गिलास इस तरीके से, और ये जो गोंद खतीरा है लगभग 2-2 चम्मच में डाल लेती हूँ हर गिलास में इस तरीके से। ये हो गया हमारा गोंद खतीरा। और अब मैं डालूंगी, ये रहा दोस्तों शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, जितना मीठा आप लेते हैं। मैंने डाला है 1-1 चम्मच शुगर पाउडर, या फिर आप मिश्री का पाउडर भी ले सकते हैं। मिश्री का जो पाउडर होता है वो भी हमारे शरीर को ठंडक देता है। दोस्तों, ये ऐसी ड्रिंक बनेगी जो आपके शरीर को ठंडा रखेगी अंदर से, आपकी गर्मी को शांत रखेगी। जैसे कि आप बाहर से आते हैं, घर में एकदम अंदर आते हैं, पानी पीने का मन करता है ठंडा ठंडा, तो पानी की जगह आप ये ड्रिंक पिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी, हड्डियाँ मजबूत बनेंगी, और जो आपका डाइजेशन है वो भी बेहतर बना रहेगा, और जो आपके पेट की गर्मी है वो भी शांत होगी। तो इस तरीके से दोस्तों मैं 3 ड्रिंक बना रही हूँ। पहले में मैंने लिया है जो आम का पेस्ट मैंने बनाकर रखा था पहले, वो मैंने 2 चम्मच इसमें डाल लिया है, मैंगो पेस्ट डाल लिया है। दूसरे में मैं डाल रही हूँ रूअफ़ज़ा। रूअफ़ज़ा आप सब अपने घर में रखते होंगे, तो वो भी 1 या 2 चम्मच आप डाल लें। और तीसरे में मैं डाल रही हूँ 1 नींबू निचोड़ कर। नींबू जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, गर्मी में हमें नींबू का ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की गर्मी ठंडी रहे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने तीनों में अलग अलग फ्लेवर डाल लिया है। एक में मैंने मैंगो पेस्ट डाला है, एक में रूअफ़ज़ा, और तीसरे में नींबू निचोड़ कर डाला है। अब आप इसे पानी से भर लीजिए। टेस्ट के लिए दोस्तों आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अब इनको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, या फिर ब्लेंडर की सहायता से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा मिक्स होने में,
और जो रूह अफ़ज़ा है और नींबू का जो घोल है ये एकदम से हो जाएगा। मैंगो के लिए आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये दोस्तों घुल गया है। अब आपने इसमें पुदीना डाल लेना है, चाहे तो आप तीनों में डाल लें या फिर आप नींबू में और रूह अफ़ज़ा में डाल लें पुदीना और मैंगो में रहने दें। आप इसमें दोस्तों काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंगो का जो है वो सारा घुल जाना चाहिए। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से इसे मिक्स करिए या फिर ब्लेंडर की सहायता से मिक्स कर लीजिए। तीनों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमने शुगर पाउडर डाला है वो भी अच्छे से इसमें घुल जाए। अब इसमें आइस क्यूब डाल लेते हैं। जितना चिल्ड आपने लेना है उसके अकॉर्डिंग आप आइस की क्यूब डाल लें इसमें। अब डाल लेते हैं इसमें पुदीना सर्व करने के लिए। दोस्तों जो पुदीना है वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है, गर्मियों में हमें ठंडा रखता है। तो पुदीना चाहे तो आप कूट कर डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से पत्तियां भी डाल सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आपकी तीनों ड्रिंक रेडी। आप इन तीनों ड्रिंक को तैयार करिए घर में और इंजॉय करिए। दोस्तों ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी तीनों ड्रिंक। आप हर रोज़ बनाएं और हर रोज़ पिए और अपनी जो गर्मी है उसे शांत रखिए। तो आपको दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और बनाकर आप ज़रूर देखना, आपको भी काफ़ी टेस्टी लगेगी ये तीनों ड्रिंक। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।